ऑफ कीजिए उसको, ऑफ करो, ऑफ कीजिए, चालू कर करो। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मोकामा और गोपालगंज में चुनाव होने वाले हैं, उसके पहले ही भारतीय जनता पार्टी के बी टीम पर बड़ी छापेमारी हो गई है। अभी तक सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स की छापेमारी महागठबंधन के नेताओं पर हुआ करती थी, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर गोपालगंज से निकल कर सामने आ रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी के बी टीम और ए टीम पर भयंकर छापेमारी हुई है। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल ने ये बातें कही हैं और कहा है कि राजद उम्मीदवार के खिलाफ अफवाह फैलाने वाले होशियार, जो भी अफवाह और एडिटेड पोस्ट चला रहे हैं उन पर प्रशासन कड़ी कार्रवाई कर रही है। ध्यान रहे कि आपकी हताशा आपको निश्चित रूप से जेल पहुंचा देगी। 8 पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। भाजपा की ए टीम, बी टीम, सबकी चालबाजी बेकार सिद्ध हो रही है, लेकिन राजद भारी मतों से गोपालगंज चुनाव को जीत रही है। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी को लेकर एक अफवाह उड़ गई और कहा यह जाने लगा कि राजद प्रत्याशी मोहन गुप्ता का नामांकन रद्द हो चुका है। और जैसे ही अफवाह उड़ी, चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया कि क्या सच में ऐसी परिस्थिति है, क्या सच में ये सारी चीजें हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं बिहार में एक बार फिर से ऐसा होता हुआ दिखाई दिया और राजद ने अपने प्रत्याशी को डिफेंड करने के लिए प्रशासन के लोगों को सूचना दी कि हमारे प्रत्याशी के खिलाफ गलत तरह का अफवाह फैलाया जा रहा है। और राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से बड़ा हमला भारतीय जनता पार्टी पर किया गया है। भाजपा के ए टीम, बी टीम को लेकर चर्चा हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के ए और बी टीम को लेकर लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है। पहले ही तेजस्वी यादव ने कहा था कि भाजपा राजद को हराने के लिए ए और बी टीम को मैदान में उतार रही है, लेकिन मोकामा और गोपालगंज की जनता को ध्यान रखना है कि ऐसे लोगों को यहां से भगाना है, ऐसे लोगों को नहीं जीतने देना है। और अब परिस्थिति यही है, गोपालगंज में हुड़दंग करने वाले 8 लोग पकड़े गए हैं। सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी, राजद के खिलाफ बयानबाजी, अफवाह और भ्रामक खबरें फैलाने को लेकर उन सभी लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं मोकामा की लड़ाई बड़ा ही दिलचस्प हो गया है। वही गोपालगंज में बात करें तो अफवाहों का बाजार गर्म है। तो हम भी अपील करते हैं कि अफवाहों पर ध्यान न दे, वोटिंग की प्रक्रिया को पूरी करें। और वोटिंग अच्छी खासी हो रही है दोनों जगह पर। जो वोटर है एग्रेसिव वोटिंग कर रहे हैं, मतलब साफ है कि वोटर बदलाव चाहते हैं। परिणाम बताएगा कि बदलाव किस तरफ जाता है, क्या पुराने प्रत्याशी की वापसी होती है या नए तरफ लोग देख रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल ने भाजपा के बी टीम पर बड़ी छापेमारी कर दी है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386